वैसे तो मंडी के अंदर बहुत से कुछ नेताओं ने इस बात को बनाने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि मंडी यू ब्लॉक के अंदर अनिल आपके विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा मुझे कि ये आपकी ही सुझाव था कि यहाँ पर पार्किंग बने। निस्संदेह कि ये मैंने कहा था जब मैं उनके कैबिनेट में मंत्री था और मैंने ये कहा था कि पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर स्केती और स्केडी के अंदर हमने दो पार्किंग के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा, पीपी मोड पे बननी थी और उसमें लगभग 500 गाड़ियों के एक ही पार्किंग में 500 गाड़ियों का हमने पार्किंग की व्यवस्था की थी। सब कुछ होने के बाद जो भी कंडीशनें पीपी मोड पे उन्होंने कहा वो सरकार के माध्यम से कैबिनेट के माध्यम से हम पूरी करते रहे और हमें लगता था कि वो हम उसको जल्दी से बना भी लेंगे। और उस वक्त एनजीटी ने का बीच में आने से हमारी दोनों पार्किंगें आज वहीं की वहीं खड़ी रह गई और एनजीटी ने 50 मीटर का जो दरिया से खड्डों से निर्माण करने का बैन लगाया उसकी वजह से मंडी शहर के अंदर पार्किंग कहाँ बने ये चिंता का विषय था। और मैंने सब जगह इस बात को सभी जो लोगों से बात की और इस शहर का निर्माण करने का काफ़ी वर्षों से मैंने काम किए हैं, मुझे मालूम है कौन सी जगह कहाँ क्या हो सकता है। और मैंने ये बात मुख्यमंत्री से जरूर कही थी कि आप यहाँ पर एक पार्किंग का निर्माण करें और जो साथ में एक हमारे स्कूल बाजार के साथ एक ज़मीन एक्वायर होनी थी उस रोड को वाइडन करने का वो भी मैंने उस वक्त जो है मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया था। परंतु जब मैं सरकार से बाहर हुआ तो सभी काम जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इस यहाँ पर जो है यू ब्लॉक के अंदर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग और साथ में एक शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है और नगर निगम के चुनाव के अंदर मैंने इसका विरोध इसलिए भी किया। और मैं जानता हूँ कि मंडी के अंदर यदि हम मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे स्कूल बाजार के अंदर निस्संदेह उससे शहर के अंदर और कंजेशन हमारी होगी। जब भी बाहर क्योंकि विदेशों में घूमता हूँ बड़े शहरों में घूमता हूँ मैं इस बात को देखता हूँ कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल जो बनते हैं खुली जगह बनते हैं परंतु हम खुली जगह छोड़कर एक तंग जगह पर जहाँ स्कूल पे स्कूल की ज़मीन को हमने सरकार क्योंकि कई मैं सोशल मीडिया में पढ़ता रहता हूँ कुछ लोगों ने कहा कि दाल में काला है, मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे लिए कहते हैं क्योंकि जो ठेकेदार है वो मेरे रिश्तेदार है तो लोगों को लगता है कि ठेकेदार जो है और मेरा कोई तालमेल होगा जिसकी वजह से वो दाल में काले की बात करते हैं। वो बिजनेसमैन है ठेकेदार है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि यदि कोई प्रूफ कोई ऐसी कड़ी जिसमें उस ठेकेदार और मेरे जो मेरा रिश्तेदार है उसको एक भी चीज़ कहीं बिजनेस की बात हो किसी बात पे कहीं साथ जग जाहिर होती है तो मैं राजनीति से भी त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। इस तरह का लांछन लगाना और दाल में काला हो भी सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु उसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं या ठेकेदार दे सकता है। क्यों ऐसी तंग जगह में एक मल्टीप्लेक्स बनाकर सारी ट्रैफिक को हम दूर दराज से ट्रैफिक को हम शहर में लाने के प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। परंतु पार्किंग बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शहर के अंदर कहीं भी। अभी विक्रमादित्य जी पता नहीं मुझे नहीं मालूम क्योंकि नौजवान हैं कहीं उनको कोई लोग मिले होंगे मंडी से तो उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहें हैं जहां पार्किंग बन सकती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी जगह का नाम दे दें। और कहीं एक मुझे किसी ने कहा कि आप स्कृति खड्ड में जो है दोनों ब्रिज के बीच दोनों जगह में आप पार्किंग बने तो पहले बन रही थी, उनके पिताजी के माध्यम से ही वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा था। जब एनजीटी ने बैन जब तक एनजीटी का बैन लगा है हम शहर के जो और भी जगह हैं वहाँ पर हम शॉपिंग मॉल या पार्किंग नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा था कि बहुत जल्दी जो है जेल जो है हमारी शिफ्ट होने जा रही है, जेल का काम बल में लगा हुआ है, कुछ वक्त के बाद वो ज़मीन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, मल्टीप्लेक्स बनाएं तो वहाँ बना लें। और क्योंकि ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का भवन बन रहा था
और वहाँ पर ऑडिटोरियम के लिए एक निर्माण करने के लिए जब प्लान मेरे पास लाया जब मैं मंत्री था तो उसको मैंने नकार दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर सड़क के साथ बनना जो था वो एक तरह से बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसका डिज़ाइन बदला। आज जो कॉलेज के अंदर भवन बन रहा है उसमें मैंने फ्रंट में नीचे पार्किंग, ऊपर ग्राउंड, पीछे जो है इसका जो है उसमें बनने जा रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनने जा रहा है, तो एक अच्छा डिज़ाइन मैंने उसमें कॉलेज के भवन के लिए जो है अपने माध्यम से बताया कि मुझे मालूम है कि शहर में क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रचार करना, और मुख्यमंत्री जी मैं इस बात से ये भी बात महसूस करता हूँ कि बॉयज़ स्कूल के अंदर मैंने PWD एक्शन को भी कहा, कल आर्किटेक्ट से बात की है कि मैं अभी साइट में नहीं गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि जो स्टेज था वो तोड़ दिया गया है या स्टेज के आगे की जगह है वहाँ पर जो है पहले भवन बने, क्योंकि शॉपिंग मॉल से यदि बन जाता है तो स्कूल के लिए मटेरियल ले जाना मुश्किल होगा, और वहाँ इसलिए पहले जो है हमारा स्कूल का भवन बने, और क्योंकि वहाँ से एंट्रेंस नहीं मिलेगी हम, क्योंकि पौड़ियाँ बनकर स्कूल को एंटर किया जा सकता है परंतु सड़क नहीं बन सकती है, तो सड़क का निर्माण ही होगा तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहला हमारा तरीका रहेगा कि हम जो है स्कूल का भवन बने, उसके बाद जो है मल्टीप्लेक्स जो की बात जहाँ जहाँ शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं उसकी जगह वहाँ पार्किंग बने, और बहुत बड़ी यदि आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो शहर के अंदर बहुत समस्या होंगी। एक विधायक होने के नाते मैं इस बात को जो है जनता के बीच में लाना चाहता हूँ कि आप इस बात को जरूर देखें कि किस तरीके से आप जो है मुख्यमंत्री हमारे जिला से हैं तो इस बात को देखें, कल लोग हमें न कहें कि क्या चीज़ बना दी है। और एक बात जरूर है कि मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए कहा था कि हेल्थ की जगह आप इसको करें, उसको मुख्यमंत्री जी इनकार कर रहे हैं, जो कि बेकार में पड़ी हुई जगह है, और जो स्कूल की जगह है वो किन कारणों से, उसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं कि बस जल्द से जल्द उन्होंने मल्टीप्लेक्स, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में सरकार एक पैसा नहीं लगा रही है, PP मोड में बन रहा है, तो यदि मंडी के अंदर अभी आपको काम करने जा रहे हैं तो उसमें सरकार का कोई पैसा उसमें नहीं लगा है, ये केवल सरकार के बहुत बहुमूल्य जमीन जो है सरकार ने दी है इसमें। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।